पुष्पा जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैडम सर है ना, वो समझाएंगी मीरा मैडम को। नहीं समझेंगी वो संतु जी, अब सोचिए ना, जिसको भूख ही नहीं लगता है भूख का दर्द क्या समझेगा। तो फिर करिश्मा मैडम लॉकअप में ही रहेंगी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। पुष्पा जी देखिए, करिश्मा मैडम जो है ना वो पिंजरे में रहने वाली चीज तो है नहीं, है ना, और लॉकअप में तो मैडम सर ही नहीं रहने देंगी। आई एम श्योर कि मैडम सर और करिश्मा मैडम ने मिलके कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली निकाला होगा, है ना। बस ऐसा ही हो। चाय पीएंगी आप? नहीं ठीक नहीं पी रहे। हमने तुमको भूख और गरीबी पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, मीरा कहाँ है? रेडी है मैडम। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? आई थिंक आई नीड टू चार्ज, मेरी बैटरी खत्म हो रही है, मुझे चार्जिंग की जरूरत है। जाओ चार्ज। Emergency charging required. अरे मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूँ मैडम सर, थाने के अंदर लाइट नहीं थी और मेरे सिस्टम को इमीडिएट चार्जिंग की जरूरत थी, तो यहाँ पे पावर का सोर्स मिला इसलिए यहाँ पे चार्ज कर ली। इमरजेंसी चार्जिंग के लिए मेरे सिस्टम में वायर चार्ज ऑप्शन भी है। एएसआई मीरा, आपको पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टेक, गलती से चोरी हो गई मैडम सर। चोरी चोरी होती है, गलती से की गई हो या जानबूझकर, यू हैव डन अ क्राइम। तो फाइनली अब करिश्मा सिंह भी हमारी तरह सोचने लगी है, नॉट बैड। तो मीरा, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गई होंगी कि जब आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप डेड हो सकती हैं, निष्क्रिय हो सकती हैं। ठीक उसी तरह जब एक इंसान को कई दिनों तक खाना ना मिले तो वो भूख से मर सकता है। वो गरीब आदमी, उसका परिवार कई दिनों से भूखे थे, वो उन्हें खाना खिलाना चाहता था और उसके लिए उसे जो सही लगा वो उसने किया, उसने चोरी की, लेकिन उस चोरी के बदले उसने अपने परिवार की जान बचा ली। क्या ये सब किसी नजरिए से गलत है? नो मैडम सर। और उसने चोरी भी कहाँ से किया? वहां से जहाँ से खाना वेस्ट होने ही वाला था। वो जो औरतें हैं ना, वो सोशल स्टेटस के लिए जो है बहुत सारा खाना दिखाती हैं कि हमने बहुत सारा खाना बनवाया, फिर उसको वेस्ट भी कर देती है क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई खाए कोई ना खाए। तो मीरा, करिश्मा सिंह ने उन दो इनसेंसिटिव औरतों पर जो गुस्सा किया, क्या वो गलत था? नो मैडम सर। ओके, मतलब करिश्मा सिंह ने जो किया वो बिल्कुल सही था, वो एक सडन ह्यूमन रिएक्शन था? यस मैडम सर। मतलब करिश्मा सिंह को लॉकअप में नहीं बाहर ड्यूटी में होना चाहिए? यस मैडम सर। थैंक गॉड, तो प्लीज उन्हें लॉकअप से निकालिए और ये सब खत्म कीजिए। ओके मैडम सर। धन्यवाद। सॉरी, wrong calculation, my mistake, no hard feelings. बताओ hard feelings का कौन बात कर रहा है जिसमें feelings ही नहीं है। गजब, ये हम का देख रहे हैं? का देख रहे हैं मैडम सर? सांप और नेवला का दोस्ती? संतु जी हम सपना देख रहे हैं कि घनघोर सपना देख रहे हैं? हमको भरोसा नहीं, चींटी काट के उठाइए हमको। ए मीरा को अपनी गलती का एहसास करवाना था, जो हमने करवा दिया, अब सब कुछ ठीक है। वैसे कैसा लगा आपको जेल में, मजा आया? एक दो दिन में हम भी ऐसा ही कुछ बोलेंगे आपको, इंतजार कीजिए। क्या हुआ मीरा, क्या प्रोसेसिंग चल रहा है?
जीते ये मैडम सर को कैसे पता चलता है मीरा मैडम के मन में क्या चल रहा है? उनके तो बस 24 घंटे एक ही एक्सप्रेशन रहता है। संतोष, मैडम सर इतना स्मार्ट है ना कि सबके दिल का बात समझ लेती हैं। मीरा मैडम के पास कहाँ है दिल? आपके पास तो है ना, आप कब समझिएगा? तू चुप हो जा। कुछ सेकंड तक मेरी बैटरी को चार्जिंग ना मिलने की वजह से मेरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए अब मैं इंसानों के लिए खाने की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि घर की पार्टीज, फंक्शंस और वेडिंग्स में जो खाने की बर्बादी होती है उसके अगेंस्ट हमारे संविधान में कोई प्रावधान होना चाहिए, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, शुक्र है कुछ तो घुसा इस टीम के डब्बे के भेजे में। और ये सब आपका कमाल है क्योंकि ये पूरा आइडिया आप ही का था। आप ही हैं जिन्होंने मीरा को खाने का इम्पोर्टेंस समझाया है। एक सेकेंड, जी तो कमला और विमला का फिर से एक दूसरे से झगड़ा हो चुका है क्योंकि उनका पुराना केटरर भाग गया है और अब वो इस बात पर लड़ रही हैं कि जो नया केटरर है वो कौन से घर का कॉन्ट्रैक्ट लेगा। एनीवेज क्या कहती है करिश्मा सिंह, मीरा को तो खाने का इम्पोर्टेंस समझा दिया, कमला और विमला को भी समझाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है मैडम सर, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना वो एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। Low IQ humans. मैडम जी लगता है हमारे हलवाई को हड़प लेगी वो छोटी भीमला, सत्यानाश हो चुड़ैल का। वो चीप औरत जितना कैटरस को देगी उससे हम दुगना देंगे, तो वो कैटरस सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विस देगा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन करवा दीजिए, पहले विमला को अपनी बेटी की शादी करवाने दो, उसके बाद आप अपनी बेटी की शादी करवाना। हाँ, इस तरीके से क्या होगा कि आप दोनों लोग का फेवरेट हलवाई आप दोनों लोग के पास चला भी जाएगा और आप दोनों लोग को उसका सर्विस भी मिल जाएगा। कार्ड बच चुका है, सारे मेहमान आ चुके हैं, शहर में नेता जा चुका है, और वैसे भी हम अपनी बेटी की शादी आगे क्यों बढ़ाएं? अरे उस विमला को हमारे ही हलवाई से खाना बनाना है तो वो अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन करे ना, हम क्यों करें? Why should I postpone? अगर उसी प्रॉब्लम है तो वो पोस्टपोन करे अपनी डॉटर की शादी, मैं क्यों करूँ? हाँ, मेरी बेटी की शादी उसी टाइम उसी समय उसी जगह होगी, एंड दैट इज फाइनल। लोग शादी में शामिल होने आते हैं या खाना खाने? खाना खाने। देखिए मैडम जी, शादी में 100 लोग आते हैं, 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही वर वधु को आशीर्वाद देते हैं, बाकी लोग तो खाना ही खाने आते हैं ना, शादी पे शान होती है खाना। अब आप ही बताइए, खाना बच जाए फेंका जाए कूड़ेदान में चलेगा, पर एक भी मेहमान बिना खाना खाए भूखे नहीं जाना चाहिए। I want Dalchan caterers only at any cost. देखिए बच्चा, हमारे घर पे खाना बनाएंगे तो दालचन हलवाई बनाएंगे, अन्यथा कोई नहीं। कमला जी, विमला जी, हम बहुत देर से सोच रहे थे कि क्यों ना आपको दालचन केटर से भी बेहतर कुक प्रोवाइड किया जाए। कौन? हमारी ऑफिसर मीरा। मीरा, ये आपके ऑफिसर कुक भी है? हम क्या बताएं कि ये क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इतना बेहतरीन खाना बनाएंगी कि आप दालचंद केटर्स को भूल जाएंगे। हुँ? है ना चीता, है ना पुष्पा जी? हाँ 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 मैडम सर, हाँ हाँ। अरे वो इतनी अच्छी कुक है ना कि लोग खाने के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। तो ठीक है, एक बार चक्के देखते हैं। हाँ हाँ, तो फिर चक्के देखते एक बार। करिश्मा सिंह, मीरा के हाथ का बना खाना खाने के लिए विमला और कमला को बुला लीजिए। हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मीरा की आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप ये विमला और कमला को खाने की अहमियत का एहसास कैसे दिलाने वाली हैं? मैडम सर, वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, हमने कुछ अच्छा ही सोचा है। ये जो मीरा बात बात पे सबको बोलती है ना, लो आई क्यू, उसको हम दिखाएंगे कि हमारा आई क्यू कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन आप ऐसा क्या करने वाली हैं? मैडम सर, आप ही तो कहती हैं कि अब हम आपकी तरह थोड़ा थोड़ा सोचने लगे हैं, तो फिर आप हम पे छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए हम पर। चलिए ये भी सही है, देखते हैं क्या होता है। आइए आइए। तो आप लोग तैयार हैं? तो देखिए, बात ऐसा है कि मीरा जो है, हमारी ऑफिसर मीरा, वो आप लोगों के लिए खाना बनाएगी,
ताकि आप लोग उसको टेस्ट कर सको और फिर हम डिसाइड कर सके कि मीरा किसके घर की शादी का केटरिंग करेगी और जिसको मीरा के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगेगा तो दाल चंदन के घर की शादी का केटरिंग। सिंपल सा बात है। हाँ तो फटाफट फिर एक काम करते हैं, मीरा से खाना मनवाते हैं, आप लोग टेस्ट करो ताकि ये टंटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मंजूर है? मंजूर है। आइए आइए बैठिए। हाँ मीरा शुरू हो जाओ। ओके। हाँ मीरा आराम से। इतना भी आराम से नहीं, मीडियम। वो हल्दी कम पड़ गया है, हम हल्दी लेकर। हाँ लाइए हम है। मरवा दिया आप लोगों ने, गरीब की हाय लगी। मेरे हाथ से दोनों शादियों का काम जाएगा, पता है कितना नुकसान होगा? अरे दालचंद जी कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा आपके हाथ से काम, है ना है ना है ना। नसीब की आई हुई मौत और रोटी, भला कौन छीन सकता है बताइए। वाह 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 वाह, क्या 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 समझाई है, मस्त समझाई है। अरे नसीब तक आने कहां दे रहे आप लोग, बीच में ही घुसे बैठे हैं। मैं कमला मैडम और बिमला मैडम को बता दूंगा जाकर के कि आप लोगों ने शर्त रख करके कि मैं एक टाइम पे एक ही शादी में खाना बना सकता हूँ। अरे सुनिए अब आपके दामाद क्या करते हैं? मीरा डाल दो। बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं धूलचंद जी? बोलचंद दालचंद ना? हाँ दालचंद, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे हम लोग को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं का? अरे एक बारात को ऑफर आपके हाथ से चला गया तो क्या हुआ, ऐसा 50 बारात का कॉन्ट्रैक्ट आपके दरवाजे पर लाकर इसे खड़ा कर देंगे। और एक बारात का कॉन्ट्रैक्ट तो आप अभी लिख लीजिए, अभी तुरंत हमारी शादी का। क्यों संतोष जी मुझसे क्या पूछ रहे, तेरी शादी तू दे दे ऑर्डर। हमारे बारात का संतोष जी इशारा क्या कर रहा है? कुछ इशारा नहीं, कहीं भी नहीं। आंख मार रहा है पुष्पा जी, वो देखो आप। कहा तो कहा खुला हुआ मेरा तो कुछ नहीं। अरे सर तू शर्मा क्यों रही हो तुम? हम लोग का साथी पुष्पा जी, पुष्पा जी समझाइए ना इनको। हाँ हाँ हम समझाते हैं। अरे संतु आज नहीं तो कल तुम्हारी और चीती की शादी तो जरूर होगी ही ना। हाँ बारात आएगी, घोड़ी सजेगी, 5,000 कम से कम 5,000 लोगों से कम का क्या खाना बनेगा? हाँ 5,000 जी, तो सामूहिक शादी होगा क्या? नहीं सर इतने लोग तो आएंगे ही, प्लस मेरे पापा अपने इलाके में बहुत बड़े आदमी है ना। हाँ हाँ बहुत बड़े। हाँ तो आसपास के लोगों को भी बुलाएंगे तो 5-10 हज़ार लोग तो आएंगे ही आएंगे। बड़े आराम से आ जाएंगे 10,000। अच्छा तो बताइए और क्या क्या बना सकते हैं आप? मैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव। वाह जबरदस्त लाजवाब, कितना स्वादिष्ट खाना बना है मैडम जी। बस मेरी बेटी की शादी में यही मैडम खाना बनाएंगी। ये मेरी बेटी की शादी में खाना बनाएगी, ओके? आप लेके जाना वो दालचंद को अपने घर। और मेरी बेटी की शादी में बस यही मीरा मैडम ही खाना बनाएंगी। हमारी बेटी की शादी में, हमारी बेटी की शादी में, हमारी हमारी हमारी। ए भग, पहले अच्छे से खाइए उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन किसके घर पे खाना बनाएगा। दाल में जरूर कुछ काला है, ललचा रहे हैं हमको, मूर्ख बना रहे हैं हमको। निकल ले दालचंद, इसी में अकलमंदी है, तू डाल डाल
तो मैं बात था। मेरे पास है ना एक और लंबी सी मेनू, उसमें अलग अलग डिश है, मैं अभी गया और अभी लेके आया। इतनी आई है। संतु क्या करती हो तुम? हमारा इतना सहज अभिनय देखकर भी तुम समझ नहीं पाएगी हम नाटक कर रहे हैं? सहज रहने दीजिए पुष्पा जी, उनको मत डांटे, हम ही गलती सारा कर दिया था, हम गलती सारा कर दिया। हाँ तेरी ही गलती थी, स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहिए था ना। वो आ जाएगा। आया ही नहीं अभी तक। हमको ऐसा क्यों लग रहा है पुष्पा जी? गया वो नहीं है, वो यहाँ पर। अरे हाँ, हम भूल गए। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने उसे उल्लू नहीं बनाया बल्कि वो हमें उल्लू बनाकर चला गया? हाँ। और वो भी सीधा अपने थाने गया। भागिए पुष्पा जी। और कुछ बचा है? और नहीं, अब इतना ही। कमला और बिमला की बेटियों के साथ मिलकर ये खेल चल रहा है। रुकिए, कोई मत खाइए खाना, जूठे से बनाया गया ये खाना। क्या? जी, कल आपके घर जो फंक्शन था उसके बचे हुए खाने से मेहमानों के जूठन से बनाया गया ये खाना, और आपके मेहमानों की जूठन खिलाई जा रही है आपको। ओह माय गॉड, ये दालचन जो कह रहा है वो सच है मैडम? आप हमें समझ क्या रखी है मैडम जी? हम भिखारी हैं या भिखमंगे हैं या सड़क के किनारे रहने वाले अवारा लफंगे कंगाल हैं जो आपने हमें ये झूठा खाना खिलाया? How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया थर्ड क्लास हरकत करने की आपकी? एक मिनट मैडम सर, ऐसा नहीं है कि वो खाना फेंका हुआ है या फिर वो खाना पासी था। जो खाना बच गया था वही खाना है, कोई कचरे में फेंका हुआ है या कोई वेस्ट खाना नहीं है, कोई मतलब ऐसे कूड़े में नहीं फेंका था ये खाना, आप समझ रही हैं? बचा हुआ खाना है तो आप हमें खिलाएंगी? अरे बचा हुआ खाना तो दूसरे दिन हमारे कुत्ते भी नहीं खाते। हम सिर्फ फ्रेश खाना खाते हैं। जो खाना बच जाता है उसको दोबारा बनाते हैं, वो फ्रेश ही बनता है, बासी नहीं बनता है, समझ रही हमारी बात को? पर होता तो बासी ही है ना मैडम। बिल्कुल सही तो समझा रही है मम्मी जी, इतना खाना वेस्ट करना कहाँ की समझदारी है, और खाना भी उतना ही बनना चाहिए ना जितना फंक्शन में खाने वालों की कैपेसिटी हो। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर फूड वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तो ये खाना उन लोगों तक पहुंच सकता है जिसको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चुप कर। अरे बारात वालों को हम जूठन खाना खिलाएंगे क्या? लड़के वालों को जैसे पता चलेगा कि हम उन्हें बासी और जूठन खाना खिला रहे हैं तो वो उल्टे पैर बारात लेके वापस चले जाएंगे। ट्रू। एक मिनट, अभी हमने आपको बता दिया कि ये खाना जो है वो कल का था, कल के खाने को दोबारा बनाया गया है, तो आप लोगों को ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब तक नहीं पता था तब तक आप लोग ही थे जो इस खाने की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहे थे ना। जब उसका ताजगी और उसका टेस्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो फिर काहे हम उस खाने को वेस्ट करें, काहे उसका इस्तेमाल ना करें और उन लोगों तक पहुंचाए जिन लोगों तक नहीं पहुंचता है, जो लोग भूखे मरते हैं, जो लोग एक रोटी के लिए तरसते हैं। आप काहे नहीं समझ रहे इस बात को? बासी खाना आपके घर खाया जाता होगा, हम सिर्फ फ्रेश खाना खाते हैं। कमाल है, आप औरत होकर कैसी बातें कर रही हैं? अमीर हो या गरीब हो, औरत हमेशा बचाने में यकीन रखती है। हम औरतें तो खाना बनाकर खिलाने वालों में से हैं, तो खाने की अहमियत हमसे ज्यादा और कौन अच्छे से समझ सकता है, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। देखिए अपनी मिडिल क्लास बातें ना आप अपनी तरफ रखिएगा, ये बचाना छुपाना हम हाई सोसाइटी के लोगों को शोभा नहीं देता। देखिए आप... क्या जबरदस्ती है? जब हमने कह दिया कि हमारे घरों की शादियों में इसी तरह के खाने बनेंगे तो आप क्यों पीछे पड़ रही हैं? और वैसे भी आप लोग पीछे क्यों नहीं पड़ेंगी? हम खड़े खड़े यहाँ पे आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप लोगों की बकवास झेल रहे हैं। भाई मैया के सासू करिश्मा सिंह, जानबूझ करके किया है इन्होंने ये सब, मुझे पकड़ करके धमकाया और ये कहने के लिए कहा कि आप दोनों में से किसी एक के घर में शादी का खाना बना सकता हूँ ताकि ये लोग ये तमाशा खड़ा करके आप दोनों को शर्मिंदा कर सके। लगता है आप लोगों की कंप्लेंट ऊपर तक करनी पड़ेगी। जब आप लोगों की नौकरी चली जाएगी ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि किसी के फटे में टांग अड़ाने का क्या अंजाम होता है। ये हमारी बेटियों की शादी है और इसमें अब और ज्यादा वैरायटी बनवाऊंगी। रोक सकती हैं तो रोक कर दिखाइए। चल बेटा चल।
करिश्मा सिंह, ये क्या किया आपने? हमें लगा था कि आपने कहीं और से खाना अरेंज करके यहाँ आप लेकर आई हैं ताकि मीरा बस उस पर तड़का लगाए और प्रेजेंट करे, लेकिन आप तो उन्हीं का बचा हुआ खाना उन्हीं को खिला रही थी। मैडम सर, देखिए हम जानते हैं कि आपकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन आपका तरीका गलत था करिश्मा सिंह, और इम्पैक्ट हमेशा तरीके का होता है, इंटेंशन का नहीं होता। मैडम सर, हमें उस वक्त जो सही लगा हमने वो किया। हम उस कमला और बिमला को कैसे भी करके रोकना चाहते थे। क्या मैडम सर, मेहंदी जैसे रस्म में उन्होंने इतना खाना बनवा के बर्बाद कर दिया? शादी जैसे बड़े प्रोग्राम में तो पता नहीं कितना खाना बर्बाद कर देंगे ये लोग। वहाँ खाने को नहीं मिलता है किसी को, और ये लोग यहाँ खाना बर्बाद करते रहते हैं। किसी को तो इस पे रोक लगाना पड़ेगा ना मैडम सर। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक कमला और विमला को ठीक करके हम इस पूरी समस्या को ठीक कर देंगे? उसके जैसे हजारों बेवकूफ लोग हैं जो इसी तरह फंक्शंस में खाना वेस्ट करते हैं, उनका क्या? करिश्मा सिंह, इलाज कभी भी दर्द का नहीं किया जाता, बीमारी को हमेशा जड़ से ठीक किया जाता है, और हम वही करना चाहते हैं, और उसके लिए कुछ कुछ बड़ा सोचना होगा। अब प्लीज टेस्ट, ये खाना मैंने बनाया है उसी बचे हुए खाने से जो आपने ला कर दिया था। बाहर बदनाम और इकबाल को भी खिलाने की कोशिश की, पर उन्होंने भी मना कर दिया। कोई भी ये खाना खाने को तैयार ही नहीं है। यही, इसी घटिया सोच को हमें बदलना है, जिसके हिसाब से बचा हुआ खाना झूठा और फेंकने लायक खाना होता है। इस घटिया सोच का हमें इलाज करना होगा, इस ह्यूमन ईगो का। तजुर्बा कहता है हमारा, ईगो का इलाज कभी भी ईगो हर्ट करके नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा पेशेंटली और समझदारी से ही हैंडल करना पड़ता है, और अब हम वही करेंगे अपने तरीके से।